Wrestling League powered by Thumbs Up में अब मुकाबला है 65 किलो वर्ग का पुरुष कैटेगरी में representing Haryana Hammers from India, please welcome Yogeshwar Dutt. चौड़ी छाती छोरे ने 22 इंच का डोला, फायर बहुत है जैसे आग से निकले शोला, लस्सी का शौकीन है पीवे ना, बॉडी शॉटी तगड़ी है पर मन का है ये भोला, बजरा छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं बजरंग पुनिया को, अच्छी तरह से उनको दाव पेच सिखाए हैं उन्होंने रेसलिंग के, और आज उन्हीं का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक तरीके से धर्म संकट वाली बात है दोनों के लिए, गुरु और चेला आमने सामने, कांटे की टक्कर। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मलिका शेरावत भी मौजूद है। मलिका, आप क्या कहेंगी इस मुकाबले के बारे में? मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन पर्सनली मैं योगेश्वर दत्त को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा हैमर्स की तरफ से हूँ और योगेश्वर हरियाणा से है, एंड इज अ वर्ल्ड चैंपियन, सो ऑल होप्स आर रेस्टिंग ऑन योगेश्वर। अभी लगता है कि कन्वेंशन सेंटर हयात रिजेंसी गुड़गांव में आधे से ज्यादा क्राउड योगेश्वर के लिए सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हरियाणा हैमर्स ने बहुत जबरदस्त शुरुआत करी है आज के मुकाबले में बेंगलुरु योद्धास के खिलाफ। पहले ही वो 3-1 से आगे चल रहे हैं और अब ये बहुत अहम मुकाबला। जगदीश, बिल्कुल, और आज ये मुकाबले हो रहे हैं कन्वेंशन सेंटर हयात रिजेंसी से, 30,000 स्क्वायर फीट का एरिया, लार्जेस्ट इन द कंट्री, एक शानदार प्रेजेंटेशन रेसलिंग का। मैं तो ये कहना चाहूंगी, दूध दही का खाना और जीतेगा मेरा हरियाणा। क्या बात है। मलिका ने बिल्कुल सटीक एक बात कही है फिलहाल, क्योंकि हरियाणा वही प्रूव भी कर रही है। बिल्कुल, मलिका जी ने जो बात बोली, जहाँ दूध दही का खाना वहीं पे हरियाणा की जीत। अच्छा, जगदीश, लेकिन इस बीच अगर इस बाउट पर नजर डालें तो 1:10 हो गए हैं फिलहाल, किसी ने भी खाता नहीं खोला है, और क्या आप कहेंगे, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पैसिविटी में फिलहाल इंडल्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये पैसिविटी का टाइम मिला है बजरंग को, यहाँ पे बजरंग को अटैक करना होगा, और इस समय जोखिम उठाने की कोशिश करते हुए बजरंग पूनिया, देखिए कितना मतलब भावनात्मक है कि एक गुरु शिष्य सामने हैं, और लड़ाई के मैदान में आप गुरु शिष्य नहीं रहते हैं, प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जी हाँ, मुकाबला 1:46 अब, और फिलहाल दोनों ही रेसलर्स को कहा गया है कि इतना पैसिविटी में ना जाएं, और खाता खोलने में कोई भी कामयाब नहीं होता, लेकिन हरियाणा को 1 पॉइंट दे दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि पैसिविटी टाइम में, एक्टिविटी टाइम के अंदर बजरंग पूनिया अंक नहीं बटोर पाए और फायदा मिला योगेश्वर दत्त को 1-0 से आगे। मलिका, हरियाणा ने खाता खोल दिया है, योगेश्वर ने 1 पॉइंट ले लिया है। अगर आप हरियाणा का इतिहास देखेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री देखेंगे, तो ये दंगल, कुश्ती, ये पहलवानी, सब हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा है, तो ऑफ कोर्स हरियाणा को पॉइंट मिलेगा ही, और हरियाणा 100% जीतेगा। मैं अभी योगेश्वर दत्त से बैकस्टेज बात कर रही थी, मैं उनसे ये पूछ रही थी कि आप लोग अपनी डाइट में इतना देसी घी दूध लेते हो, आप लोगों का वजन क्यों नहीं बढ़ता? कहते मैडम 1,000 दंड मार के दिखा दो। आपको आपका जवाब मिल गया वहीं पर। खासी मशक्कत करते हैं ये रेसलर्स अपने अखाड़े में, जहाँ भी ये प्रैक्टिस करते हैं खासी मशक्कत होती है, तब जाकर इस लेवल तक पहुँचते हैं। और अगर योगेश्वर दत्त की बात करें तो क्या कुछ अचीव नहीं किया उन्होंने, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, और आज इस मुकाबले में 3 मिनट के मार्क तक हम जा रहे हैं और 1 पॉइंट है योगेश्वर दत्त के खाते में। बिल्कुल, यहाँ पर योगेश्वर दत्त मजबूत स्थिति में, हरियाणा के हीरो योगेश्वर दत्त
पूरी टीम के साथ योगेश्वर दत्त पे इस समय टिकी हुई। देखिए पैरों का कितना अच्छा मूवमेंट करते हुए और रेस्ट पीरियड लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे राउंड टू के साथ। बेंगलुरु योद्धास के बजरंग पुनिया, गुरु और चेला आमने सामने। फिलहाल योगेश्वर दत्त ने पहला राउंड जीत लिया था और अब जगदीश दूसरे राउंड के मुकाबले में और जोश से दोनों उतरे हैं। बिल्कुल यहां पर इस समय पूरा दबाव बना हुआ है बजरंग पुनिया पर क्योंकि वो एक अंक से पिछड़ रहे हैं और ये देखिए अटैक करने की कोशिश थी अच्छा डिफेंस योगेश्वर द्वारा और ये कट्टा लगे यहाँ पर और देखिए खतरनाक पोजिशन थी। हालांकि कोई अभी तक स्कोर नहीं हुआ क्योंकि होल्ड क्लियर नहीं हुआ। कमर पकड़ने की कोशिश बजरंग पुनिया द्वारा अभी भी होल्ड क्लियर नहीं। बहुत बेहतरीन और कोशिश पहले शुरुआत की थी योगेश्वर ने लेकिन बजरंग पुनिया अब कंट्रोल में ऐसा लगता है कि आ गए हैं और स्कोर्स भी आ गए उनके खाते में और यहां पर दो अंक लेने में सफल हुए बजरंग पुनिया एक अंक से आगे। मल्लिका शरावत हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में फिलहाल मौजूद है। मल्लिका पहला राउंड तो योगेश्वर ने जीत लिया लेकिन दूसरे राउंड में बजरंग पुनिया आए हैं पूरे जोश से। ओके हो गया ये हुई ना बात। मल्लिका जी आप भी हरियाणा से हैं और मैं भी हरियाणा से हूँ, आज कौन जीतेगा? भाई यू खेल तो महाराष्ट्र है, जीतेगा तो हरियाणा। कमेंट्री बॉक्स में हम तीनों का ही हरियाणा कनेक्शन डिनाय नहीं किया जा सकता और शायद उसी वजह से थोड़ा सा बायस्ड आपको लगेगा लेकिन फिलहाल बाउट में मैच रेफरी पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कुछ भी किसी के भी पलड़ा नेगेटिवली ना जाए क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी काफी अच्छी तरह से फिलहाल एक दूसरे को टैकल कर रहे हैं बजरंग पुनिया और योगेश्वर दत्त। जैसा कि हम कहते आए हैं जगदीश दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है टेक्निक के नजरिए से, लेकिन क्या कुछ ऐसी टेक्निक है जो गुरु ने अभी तक बचा के रखी होगी अपने चेले से? देखिए गुरु गुरु होता है और गुरु एक चीज हमेशा बचा के रखता है अपने पास, वो ब्रह्मास्त्र क्या होगा वो देखने को मिलेगा क्योंकि अभी समय बाकी है और समय बलवान होता है। जी हाँ राउंड टू में लेकिन बेंगलुरु के पास दो अंक हैं और 5 मिनट तक घड़ी की सुइयां पहुंचने वाली हैं। वापस आते ही राउंड टू में हमने देखा था कि दोनों ही रेसलर काफी अच्छी तरह से एक दूसरे पर अटैक करने लगे थे लेकिन फिर से वो पैसिविटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल और धीरे धीरे समय बीतता हुआ इस समय प्रेशर योगेश्वर दत्त पर क्योंकि एक अंक से पिछड़ रहे हैं और इस समय दर्शक दोनों का ही उत्साह वर्धन करते हुए क्योंकि दोनों ही हरियाणा को बिलोंग करते हैं हालांकि अलग अलग टीम से खेल रहे हैं। मल्लिका हरियाणा का क्राउड शांत पड़ता नजर आ रहा है। हो ही नहीं सकता शांत। आप जोश भरिए हरियाणा के दर्शकों के बीच। देखिए जी जोश भरने की तो बात ही नहीं है, ये मोमेंटरी थोड़ा सा ठीक है हो गया, आगे पीछे होता रहता है खेल में, लेकिन फिर भी आप कहाँ हरियाणा के रेसलर्स को मैच कर सकते हैं। वैसे भी है भी दोनों हरियाणा से। दिस इज द स्पोर्ट्समैनशिप, दिस इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। येलो और यहाँ पर दो अंक लेने में सफल हुए जैसा कि मल्लिका जी बोल रही थी हरियाणा इज द बेस्ट और यहाँ पर योगेश्वर दत्त ने बढ़त हासिल कर ली है एक अंक की। जी हाँ जबरदस्त वापसी करते हुए योगेश्वर दत्त 3-2 अब इस सेकंड राउंड की टाई और मल्लिका शेरावत तो बहुत खुश है, हरियाणा हैमर्स का झंडा लगातार फहरा रही है यहाँ पर और फिर से एक बार जान फूंक दी है हरियाणा के दर्शकों के बीच में योगेश्वर दत्त ने उस मूव के साथ। याद कीजिए पहला राउंड जीत चुके हैं, दूसरे राउंड में भी बढ़त ले चुके हैं और आखिरी के कुछ क्षण बाकी हैं राउंड टू के। समय समाप्ति की घोषणा, योगेश्वर दत्त जीते हुए बजरंग पुनिया के खिलाफ और हरियाणा ने एक और मुकाबला आज जीत लिया और जीत हरियाणा के पक्ष में योगेश्वर दत्त एक शानदार जीत हासिल करी और आखिरी में गुरु शिष्य में गुरु जीत गया। जी मेरे साथ योगेश्वर और बजरंग दोनों मौजूद हैं क्योंकि क्या करें इन दोनों का नाम एक ही ब्रेथ में लिया जाता है, एक ही सांस में लिया जाता है। योगेश्वर सबसे पहले मुबारकबाद, आपके पास आपके चेले से 1-2 पैंतरे थोड़े ज्यादा थे आज। देखिए कुश्ती थी और ना तो बजरंग लड़ना चाहता था ना मैं, हम नहीं चाहते कभी हमारी कुश्ती आए, पर ये खेल है हम शायद मेरे को लगता है कि बजरंग भी अपना 100% नहीं दे पाया और मैं भी क्योंकि ये एक इमोशनल बाउट थी, अपनों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में और बजरंग ये लगाइए कि 2008 से मेरे पास छोटा था, मेरे से 11-12 साल छोटा है, यह है कि यह बहुत मुश्किल बाउट थी
किसी और के साथ होती तो बजरंग भी बेटर करता और मैं भी बेटर करता। आपकी मदर से हमने बात करी, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, कही कि आज वो नहीं आएंगी क्योंकि कहती है मैं अपने दोनों बच्चों को लड़ता नहीं देख सकती। हाँ देखिए, हम दोनों, मैं बहुत छोटा आया था योगी के पास और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था आज बाउट लड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं योगी से लड़ूं, पर आज ये बाउट हुई हमारी तो मुझे कुछ सीखने को ही मिला है, जो मैं अपने गुरु से या भाई से कुछ भी लगाओ उनसे लड़ा हूँ, तो मैं अपना 100% तो नहीं दे पाया, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आज बाउट लड़ा हूँ योगी के साथ, और मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि भाई मैं अपने गुरु के साथ बाउट लड़ा हूँ, जो उन्होंने मेरे को सिखाया। मैं अपना वो तो पूरा शो तो नहीं दे पाया, पर कोशिश करूंगा मैं आगे और अच्छा करूंगा। भाई कॉमनवेल्थ गेम में तो आप दोनों अलग अलग कैटेगरी में थे, अब आप कुछ खा पी के जड़ी बूटी खा पी के आप सेम कैटेगरी में आ गए अभी यार। हाँ पहले मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि 65 केजी ओलंपिक में है, 61 में नहीं है, हमारा यही था कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स बजरंग 61 में खेल, उसके बाद क्योंकि मेरे पास तो ये ओलंपिक लास्ट है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2020 में बजरंग ओलंपिक चैंपियन बने, और बजरंग ने मेरे को पहले बोला था कि मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि कुश्ती में आप जीतो, मेरे लिए कि ये बहुत बता कि इमोशनल था, और मेरी मम्मी ने पहले मना कर दिया था कि मैं कुश्ती देखूं भी नहीं, क्योंकि तुम कोई जीतो जीतेगा मेरा ही बेटा, जीतेगा मेरा बेटा, और पर दुख भी थोड़ा सा होगा क्योंकि हारेगा एक बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो दुख होता है और जीतता है, पर इसलिए मेरी मम्मी ना रोज यहाँ पे आई और ना घर पे, शायद उसने घर पे भी नहीं देखी होगी। कहाँ पे आपको लगता है कि अब जो है बजरंग इनका खेल, मतलब इतना मिरर इमेज लग रहा था, जैसा लग रहा था एक दूसरे की दर्पण जो है एक दूसरे से लड़ रही है, पर कहाँ पे आप क्या टिप देना चाहेंगे इनको जब बाउट खत्म हो चुकी है? देखिए ये 21 साल का है और इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, इसकी एज में हम इतने नहीं थे, बस ओलंपियन थे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पास बहुत लंबा टाइम है और एक साल के बाद मेरा ये है कि मैं पूरा अपना टाइम बजरंग पे दूँगा, और कमियां तो रहती है इंसान में, कितना अब हमें भी कमियां हैं, मैं बताता हूं, पर कोई कंपटीशन में गलती ना करे। इसने अभी इसकी एक बाउट हुई थी जो बॉम्बे के साथ, उसमें इसने गलती की थी, उसको मैंने बताया कि वो गलती दो बार नहीं चाहिए, क्योंकि गलती आगे कारण बनती है, उसी गलती की वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा मेडल मिस हुआ, नहीं तो पहला होना था जिसके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप के दो मेडल हैं।